न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी की वंदना करेंगे। सभी मनी मन जो है इस वंदना को गाएंगे। नमामि धन्वंतरि आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मं लोके जरारूक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधोषधीनां च व्योम वातावनिवारिवहनिं पंच प्रपंचात्मक देह भाजं संताप संपात जरा जवरांतकं नमामि धन्वंतरिमादिदेवं नवीन नील मुदकांति कांतं शांतं हरे द्वादशं वाक्यमूर्तिं पूर्ति सतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वंतरिमादिदेवं। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश के सोलंकी के अंदर। मैं डॉक्टर सुरेश के सोलंकी असिस्टेंट प्रोफेसर अन्य कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा गुजरात। आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 8949651342 या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9461005940 पे। दोस्तों, इससे पहले जो है आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमारी YouTube चैनल के। अभी लगभग 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे प्लेसेंटा पार्ट 1, 2, 3, जिसके अंदर हमने नॉर्मल प्लेसेंटा से लगाकर जो उसकी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, एमनियोटिक फ्लूइड, एम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब जो फिटल जो मेम्ब्रेन्स थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो लेके आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल के अंदर भी, और सबसे बड़ी बात है क्लिनिकल प्रैक्टिस भी जब आप करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये पहली बात तो ये कि आपको इसके रेगुलर आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा जो मैं इसके बारे में ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगा वो ये है कि इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत ही जितना साइकिल भी टफ है और समझाना भी टफ है और समझना भी काफ़ी मुश्किल पड़ता है बच्चों को, कई बार समझ में नहीं आता है। यदि कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को डायरेक्ट जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए उससे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो जैसे मैं आपका व्हाट्सअप देखूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पुरानी कुछ चीज़ें जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। इसके अलावा यदि आपको कंटिन्यू जो मेल नोटिफिकेशन चाहिए कि जो चैनल है ये इसका जो अभी आगे जो कौन सा चैप्टर रहेगा, आगे क्या टॉपिक रहेगा, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ जो है पर मंथ या फिर 6 महीने के अंदर 1200 रुपये जो है एक बार आपको जो है वो डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। आपको जैसे ही आप वो डिपॉजिट कराते हो मेरे अकाउंट के अंदर, आपको मेरे जो ये अपनी रिसिप्ट है वो मेरे को या तो अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर 9461005940 के ऊपर या फिर मेरे ईमेल है जो sukumar.solanki@gmail.com पे सेंड कर देनी है। आपको सब्सक्रिप्शन के लिए जो मेरा अकाउंट है वो है यूको बैंक का अकाउंट है 03600110109885। सेविंग अकाउंट है सुरेश कुमार सोनल के नाम से है और IFSC कोड है UCBA00003600। यूको बैंक अकाउंट है वल्लभ विद्यानगर का अकाउंट है, इसमें आपको डिपॉजिट करना है मंथली। यदि आप करना चाहते हो एक बार तो 300 रुपीज़ और वंस इन 6 मंथ फॉर द होल सिलेबस इज 1200 रुपीज़। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो मैसेज है ये फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। स्पेशली जो यूजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनके एग्ज़ाम अभी भी हो सकते हैं, उनके लिए है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी इसको याद लाइक कर सकता है, देख सकता है, आगे वाले जो आने वाले टाइम है उनके अंदर उसके ये काम आएगा।
एक दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है वो आपसे ये है कि अपने नोट्स जो है वो रेगुलरली बनाते रहे, और आप कमेंट्स और सजेशंस जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप दे दें तो भी ठीक है। यूट्यूब चैनल पे यदि आप नहीं देते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स और सजेशंस मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी के ऊपर हम एम्फसाइज करेंगे। आप जो इस वीडियो के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जो है एक लोगो देख रहे हो, आयुर्वीर भारत, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना से हमारे जो वीर जो है वो लड़ रहे हैं, स्पेशली इसके अंदर आयुर्वेद बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इसलिए ये लॉकडाउन है। हालांकि जो मेरा हॉस्पिटल है उसका भी यही है नाम, जो है आयुर्वेद द बेस्ट प्रोजेनिक सेंटर, आयुर्वेद द बेस्ट प्रोजेनिक सेंटर। तो इसी कई लोगों ये जो है हम धीरे धीरे कोशिश ये करेंगे, जो ये फंडिंग जो मैं आपसे ले रहा हूँ, ये फंडिंग जो है ये हमारे बेस्ट जो अच्छी चीज़ों के लिए है, वो अच्छी चीज़ों के लिए ही अभी वो होंगे। जो ये फंडिंग है वो हम जो है आगे जो ये फंडिंग है हम सोशल एक्टिविटी के अंदर और हमारे जो जो पॉइंट्स हैं उनके बढ़ाने में ही लगाएंगे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फायदे के लिए ही हम करेंगे ज़्यादातर यूज़। आज का टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था बीच में, कोई आ गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले दोस्तों, मैं जो इस टॉपिक के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इसमें हम क्या करेंगे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ज़्यादा पढ़ेंगे। दो पार्ट्स के अंदर ये जो लेक्चर है मैंने तैयार किया है, एक जो पार्ट है वो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी और दूसरा जो पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर ओवेरियन साइकिल और एंडोमेट्रियल साइकिल और वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन जो पार्ट रोल जो निभाएगा वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तीन ऑर्गन, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन का ही होता है, और ओवेरी जो गोनेट्स है जो मेल के अंदर टेस्टिस काम आते हैं, और फीमेल के अंदर ओवेरी जो गोनेट्स है। तो इन तीनों से जो लिबरेटेड हार्मोन्स है इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो तीनों मिलकर HPO एक्सिस बनाते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। तो सबसे पहली बात काम करते हैं कि हाइपोथैलेमस से क्या कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ओवरी के ऊपर काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन जो निकलते हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से सिंथेसाइज होते हैं, और ट्यूबर सिनेरियम जो है नर्व एंडिंग से उसके आसपास वो हार्मोन्स आते हैं, और वो पोर्टल्स जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के अंदर जाते हैं और पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला जो हार्मोन है वो गोनेड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH भी कहते हैं ये। इसका दूसरा नाम जो है LHRH होता है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये आर्कुइड न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस के आर्कुइड न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है, डेकापेप्टाइड होता है, 10 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, उनकी सीरीज से बना होता है, इसलिए ये डेकापेप्टाइड होता है। इसका काम है रिलीज करना, सिंथेसाइज करना और स्टोरेज करना, किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये मेनली जो हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये FSH और LH को सिक्रेट करवाता है। इसका जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो पल्सेटाइल मेथड से होता है। पल्सेटाइल मेथड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होता है एम्पलीट्यूड। हाफ लाइफ GnRH का बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो 10 अमीनो एसिड्स की जो चैन होती है उसमें से 5 और 6 नंबर का अमीनो एसिड, 6 और 7 नंबर का अमीनो एसिड्स और 9 और 10 नंबर के अमीनो एसिड्स के अंदर क्लीवेज हो जाता है, टूट जाते हैं, इसलिए जल्दी टूटने की वजह से इनमें क्या होता है हाफ लाइफ इसकी जो होती है वो कम होती है। अब हम इसकी बात करें, दो टाइप की इसके अंदर रेगुलेशंस होती है, गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है इसकी दो टाइप की रेगुलेशन है। क्या होता है कि जब इसका कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलता है गोनेडोट्रोप को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोप सेल्स जो गोनेडोट्रोपिन सिक्रेट करती है, रिलीज करती है, यदि गोनेडोट्रोप सेल्स को इसका कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलता है तो क्या होता है, गोनेडोट्रोप सेल्स का जो रिसेप्टर सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन। और दूसरा जो इसका अप रेगुलेशन है, यदि वही गोनेडोट्रोप सेल जो है जिसकी रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कब, जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH का जो सिक्रेशन है वो इंटरमिटेंट होता है, यानी रुक रुक कर जब सिक्रेट होता है तो ये FSH और LH का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसको कहते हैं अप रेगुलेशन। जो अदर हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर जो प्रोलैक्टिन को कम करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और मेलिनोसाइटिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल के से ज़्यादा इतना रिलेशन नहीं है, प्रोलैक्टिन का है तो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। अब है
रिलीजिंग हार्मोन है, इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल जो है वो कैसे होता है उसके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक मिनट में आपको कुछ इसके अंदर हाइलाइटर एक लेके आ जाता हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहेगा। तो मेनली जो इसका कंट्रोल होता है वो चार तरीके से होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर पेप्टाइड्स के थ्रू, ये एक तरीका हो गया कंट्रोल जो इसका मॉड्यूलेशन होगा। दूसरा जो होगा इसका अल्ट्रासाउंड फीडबैक से होगा। तीसरा जो इसका कंट्रोल होगा वो शॉर्ट फीडबैक से होगा। और चौथा जो कंट्रोल होगा वो लॉन्ग फीडबैक से होगा। तो पहले दोस्तों हम जो है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर और पेप्टाइड को हम इस डायग्राम के बाद में समझ लेंगे। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इसकी बात करें तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये जो हमारा ये पिट्यूटरी है, और ये जो है ये ऑर्गन ये हमारी ओवरी है, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड फीडबैक में क्या होगा कि हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच बना, ठीक है। इस जीएनआरएच ने अपने ही जो सेल्स है, जो नर्व एंडिंग्स है जो बनाते हैं इसको, उसको कह दिया कि नहीं अब मेरी क्वांटिटी हो गई है इनफ मात्रा में, अब इसको रोक दो। यानी खुद का ही सिक्रेशन जो है, सिंथेसिस है, इसने खुद ने रोक दिया, तो इसको ऑटो रेगुलेशन कर दिया। तो ये अल्ट्रासाउंड फीडबैक है, यानी जहाँ पे बना वहीं पे इसने बंद कर दिया। दूसरा जो हार्मोन जो जीएनआरएच है वो काम कर रहा था पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर जैसे इसने काम किया तो पिट्यूटरी से क्या निकला, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच और एलएच, तो जो जीएनआरएच के प्रोडक्शन को, जब एफएसएच और एलएच जब एक ऑप्टिमम लेवल तक बन गया तो उसने जीएनआरएच के प्रोडक्शन को रोक दिया। तो ये जो फीडबैक जो काम करता है ये शॉर्ट फीडबैक है जो पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के ऊपर है। अब ये जो एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी से निकला ये काम करेगा ओवरी के ऊपर और यहाँ से निकाल लेगा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कुछ जो है हाइपोथैलेमस को कहेगा भाई जीएनआरएच का प्रोडक्शन रोको, जीएनआरएच का कम होगा तभी एफएसएच कम होगा, एफएसएच और एलएच कम होंगे तभी तो इस्ट्रोजन कम होगा। तो ये जो कंट्रोल है ये लॉन्ग फीडबैक है, यानी ओवरी जो है वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करेगी और हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करेगी। तो ये लॉन्ग फीडबैक जो है फैक्टर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स और जो है वो कौन है, कैटेकोलामिन से। कैटेकोलामाइन्स में कौन कौन सा आता है, डोपामिन आता है जो कि जीएनआरएच सिक्रेशन के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है, नोरएपिनेफ्रिन आता है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालता है, और सेरोटोनिन आता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है। यदि इसको शॉर्ट में याद करें तो डोपामिन DNS माइनस प्लस और माइनस, माइनस यानी इनहिबिटरी इफेक्ट और प्लस यानी स्टिमुलेटिंग जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट जो है वो डालेगा। कैटाकोलामिन जो होते हैं वो जीएनआरएच की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, मेनली जो ये काम करेगा वो फ्रिक्वेंसी को। तो जो भी साइकोलॉजिकल कुछ भी ऐसा स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकल काम है जो कैटाकोलामिन के ऊपर काम करेगा वो इसकी फ्रिक्वेंसी को भी जीएनआरएच की चेंज कर देगा। इस डायग्राम के अंदर ये आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो है DN और S, और यदि इसकी स्टार्टिंग जो होती है माइनस फिर प्लस और फिर वापस माइनस, यानी डोपामिन जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा, नोरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालेगा, और सेरोटोनिन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, जीएनआरएच सिक्रेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एंडोजेनस ओपियोइड्स यानी ओपीपी, ओपीपी में ओ फॉर ओपियोइड्स, पेप्टाइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वहाँ पे हमने नेगेटिव से छोड़ा था न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर, डीएनएस नेगेटिव से स्टार्ट होगा था, छोड़ा था, तो यहाँ पे हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो एंडोजिनस ओपियोइड जो होते हैं जिसमें एंडोरफिन, एंसिफेलिन और डाइनोरफिन आते हैं, ये क्या करते हैं जीएनआरएच के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देते हैं और साथ ही साथ डोपामिन के भी पाथवे को ही सप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या एक्सरसाइज जो डोपामिन को सप्रेस करेगा तो प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाएगा, वो क्या होता है जीएनआरएच के सिक्रेशन को भी कम कर देगा। तो जो एंडोरफिन जो ओपियोइड्स है ये क्या होता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं जीएनआरएच के ऊपर में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो ई है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है तो नेगेटिव से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी दो प्लस लगा, वहाँ पे जैसे दो माइनस थे तो यहाँ पे दो प्लस करने पड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव यानी स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालेगा। और जो पेप्टाइड्स हैं वो भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालेंगे। तो आप जो पेप्टाइड्स के अंदर जो मेनली एक्टिविन जो है, न्यूरोपेप्टाइड्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालता है, पेप्टाइड्स के अंदर जो हार्मोनल जो है पेप्टाइड जो कि फॉलिकल से जो निकलते हैं जो ओवरी से सिक्रेट होते हैं वो एक्टिविन उनमें जो स्टिमुलेट करेगा जीएनआरएच के सिक्रेशन को, पोलिस्टीरीन इनहिबिट करेगा, और इनहिबिन जो हार्मोन है वो जीएनआरएच जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। अब जो न्यूरो मॉड्यूलेटर है, न्यूरो मॉड्यूलेटर के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें हमने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो ओपीपी, ओपियोइड
पेप्टाइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ से हम जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमने जो माइनस से स्टार्ट किया था, फिर प्लस लिया था और फिर वापस माइनस किया था। तो यहाँ से हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, इधर दो माइनस थे तो इधर हम दो प्लस करेंगे, यानी ओपीपी जो है उसमें से ओपियोइड जो है उनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, बाकी जो पेप्टाइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन उनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट रहेगा। पेप्टाइड्स में जो हार्मोनल जो है उसमें एक्टिविन का स्टिमुलेट रहेगा, बाकी जो फॉलिस्टेटिन और इनहिबिन है वो नेगेटिव या इनहिबिटरी इफेक्ट डालेंगे। अल्ट्रासाउंड फीडबैक यानी ऑटो रेगुलेशन करता है, रिलीजिंग हार्मोन का किससे, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है और जीएनआरएच अपने सिक्रेशन के ऊपर ऑटो रेगुलेशन करता है और मना कर देता है कि भाई अब मेरी जो क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है वो इनफ हो गई है। शॉर्ट फीडबैक गोनेडोट्रोपिन्स के थ्रू होता है, गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं, यानी एफ एच और एल एच जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक डालेंगे किसके ऊपर, हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन ऑफ जी एन आर एच के ऊपर। लॉन्ग फीडबैक जो होता है वो सेक्स स्टेरॉइड्स के रूप में होता है, सेक्स स्टेरॉइड जो है वो पूरे साइकिल के दौरान नेगेटिव फीडबैक डालते हैं, केवल और केवल प्री ओवुलेटरी टाइम जो होता है जहाँ पे ये क्या करता है कि जो एस्ट्रोडियोल का बढ़ा हुआ लेवल जो है वो जी एन आर एच के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है, एल एच सर्ज जिसे कहते हैं। तो सर्ज होने के लिए ज़रूरी है कि प्री ओवुलेटरी जो है वो पॉजिटिव फीडबैक रहता है और स्पेशली इसमें भी एस्ट्रोडियोल का रहता है। ये जो मैकेनिज्म है एच पी एक्सिस जो आपके हैं ये हम समझ चुके हैं पूरा, कैसे कोऑर्डिनेट करता है ये, क्या रहता है इनका, ये वही है एच पी एक्सिस का जो है वो एच पी एक्सिस कोऑर्डिनेशन का जो है वो डायग्राम है। अब है जीएनआरएच का सिक्रेशन जो होता है तीन तरीके से होता है, टॉनिक, साइक्लिक और पल्सेटाइल। टॉनिक जो सिक्रेशन होता है वो कंट्रोल के अंदर होता है, जिसमें जीएनआरएच कम कम मात्रा में सिक्रेट होता है और ये जनरली होता है नेगेटिव फीडबैक ऑफ सेक्स स्टेरॉइड्स की वजह से। जो साइक्लिक सेंटर होता है वो स्टिमुलेटेड होता है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोडियोल जो कि प्री ओवुलेटरी टाइम होता है और ये ज़्यादा मात्रा में जीएनआरएच को सिक्रेट करता है। पल्सेटाइल के अंदर जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो मॉड्यूलेटर और पेप्टाइड्स के थ्रू ये रेगुलेट होता है और इसके अंदर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दो मात्र चीज़ें होती है। पल्स सिक्रेशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसकी क्वांटिटी को डिनोट करता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंटरवल को डिनोट करती है, कितने इंटरवल के बाद में जीएनआर जो है पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर आया। स्पेशली जनरली क्या होता है फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होती है फॉलिकुलर फेज के अंदर और एम्पलीट्यूड जो होता है वो लो होता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। और एम्पलीट्यूड इसका ल्यूटिल फेज के अंदर इसका उल्टा होता है, एम्पलीट्यूड हाई होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लो होती है ल्यूटिल फेज के अंदर। तो जनरली क्या होता है जब फॉलिकुलर फेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि एफ एस एच जो है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यानी हाई फ्रिक्वेंसी जो फॉलिकुलर फेज के अंदर होती है वो एफ एस एच के सिक्रेशन को बढ़ाएगी, बट जो अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल प्राइमिंग ऑफ गोनेडोट्रोप सेल्स, इसके अंदर जो जनरली जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो एसोसिएट रहती है किसके साथ में, जो जनरली जब एल एच जो सिक्रेशन बढ़ जाता है जब हायर फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये ल्यूटिल फेज की बात हो रही है, सॉरी ये फॉलिकुलर फेज की ही बात हो रही है, पर जो एल एच की मात्रा भी जो उसमें चाहिए ताकि ओवुलेशन से पहले जो एल एच चाहिए वो एल जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कब मिलेगा, जब जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो हाई मात्रा में रहेगी। हाई क्वांटिटी एफ एस एच को भी सिक्रेट करवाती है और हाई क्वांटिटी जो है इसका एल एच सिक्रेशन को भी बढ़ाता है, जिससे क्या होगा एल एच सर्ज को ही धीरे धीरे बढ़ावा देगा। तो इसको क्या कहते हैं सेल प्राइमिंग बोला, जब क्या होता है जो इसका हाई जो फ्रिक्वेंसी है हाई पल्स फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है एल एच के सिक्रेशन को बढ़ाती है और लोअर जो पल्स फ्रिक्वेंसी है वो एफ एस एच के सिक्रेशन को बढ़ाती है। ये जो है रेस्पेक्टिव जो ये जो फ्रिक्वेंसी और ये जो है ये रेस्पेक्टिव जब एफ एस एच हाई होता है उसके साथ साथ में जो एल एच जो चाहिए तो उस एल एच की जो मिनिमम क्वांटिटी है जो ट्रेस अमाउंट है उसके लिए ये बोला गया, ये सेल प्राइमिंग जो करती है गोनेडोट्रोप सेल्स जो है वो अपना सेल प्राइमिंग करती है। सेम जो इस्ट्रोजन होता है वो एल एच को ज़्यादा सिक्रेट करवाता है एफ एस एच की तुलना में। अब बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पीजी एंट्रेंस का ये क्वेश्चन है, सेल अट्रैसिका का जो है पीजी एंट्रेंस के इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो गए, जैसे डेकापेप्टाइड होता है जीएनआर जो होता है ये जो पल्सेटाइल मेथड के अंदर सिक्रेट होता है, इसका टू आप जो होता है उस जो टी आप होता है वो 2 से 4 मिनट के लिए होता है और शॉर्ट होता है। तो ये जो पीजी क्वेश्चन है ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए इनको क्या है कि अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना और याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब है पिट्यूटरी ग्लैंड पीजी का ही क्वेश्चन आई है कि कौन सी बोनी कैविटी में रहती है, तो सेल अट्रैसिका के अंदर रहती है। इसके टू पार्ट्स होते हैं एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट
यानी ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट जो कहते हैं उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पार्ट के अंदर दो सेल्स होती है, एक जो कि नेस्ट या कॉलम के रूप के अंदर, कॉलम के अंदर वो रहती है। तो जो दो सेल्स के अंदर एक सेल्स होती है क्रोमोफोर होती है, ये कोई भी डाई से स्टैंड नहीं होती है, और स्मॉल सेल्स होती है, दूसरी होती है क्रोमोफिल्स होती है, लार्जर सेल्स होती है और जल्दी स्टैंड हो जाती है। तो क्रोमोफिल्स के अंदर भी एसिडोफिल्स जो है अल्फा सेल्स जो है जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं और प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करते हैं, अल्फा सेल्स जो होती है वो ईओसिन से रेड हो जाती है, और फिर दूसरी जो बेसोफिल्स है या बीटा सेल्स है जो स्टैंड हो जाती है, ब्लू हो जाती है किससे, हिमेटोजेलिन से। ये तीन टाइप की होती है बेसोफिल्स जो होती है, वो तीन टाइप की होती है। तो पहला जो है ओवल शेप की जो सेल्स होती है वो एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करती है, और ये ओवरी के ऊपर काम करती है। याद करने के लिए बोल दीजिए रहेगा, पीजी एंट्रेंस का भी क्वेश्चन रहता है। एंगुलर टाइप की जो सेल्स होती है वो एंगल मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या टीएसएच को सिक्रेट करती है, और ये एंगुलर सेल से होता है। और एक होती है ग्रेनुलेटेड सेल जो होती है कोर्टिकोट्रोपिन करती है, और एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर ही काम करती है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रेशन है वो है गोनेडोट्रोपिन जो है, उनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और एलएच जो है वो बीटा सेल से सिक्रेट होते हैं, और ये पल्सेटाइल फैशन के अंदर सिक्रेट होते हैं, किसके रेस्पॉन्स में, जीएनआरएच के रेस्पॉन्स के अंदर। ये भी पल्सेटाइल, जीएनआरएच भी पल्सेटाइल और एफएसएच और एलएच भी पल्सेटाइल सिक्रेट होते हैं। दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और हाई मोलिकुलर वेट होता है इनका। एम्यूनो एसिड कंपोजिशन एलएच एफएसएच एससीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और टीएसएच, इनका जो अल्फा सब यूनिट होती है वो सेम, सबकी सेम होती है, पर चेंजेस कहाँ होते हैं इनके, बीटा सब यूनिट के अंदर। इसलिए क्या है कि जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो बीटा सब यूनिट जो स्पेसिफिक होती है स्पेशली एससीजी की, तो उसमें डायग्नोस हो जाती है, वो पॉजिटिव कलर चेंज कर देती है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेनली जो है वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर काम करता है, और एलएच जो रहता है वो केमिकली चेंजेस लेके आता है। तो प्रीडोमिनेटली जो है ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है, जिसमें से स्पेशली क्या आता है, ग्रोथ मैच्योरेशन ऑफ ग्राफी फॉलिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएच के साथ मिलकर ये क्या करता है, ओसाइट को भी मैच्योर करता है, ओवुलेशन करवाता है, और जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो काम ये करता है। मॉर्फोलॉजिकल जो इफेक्ट्स है इसके, ये जो पहला जो इफेक्ट है वो क्या करता है, ये जो फॉलिकल्स है उनको अपोप्टोसिस से बचाता है, यानी जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिन जिन फॉलिकल्स की डेथ निश्चित होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उनको ये बचाता है, रेस्क्यू करता है। दूसरा जो है ये फॉलिकुलर वेसिकल्स को जो है वो बनाता है, फॉलिकल्स के अंदर जो है फॉर्मेशन को, एंट्रम फॉर्मेशन को बढ़ाता है, फॉलिकल्स के अंदर जो वेसिकल होती है उनको बढ़ाता है। तीसरा जो है ये गैनोसा सेल्स का जो है प्रोलिफरेशन करता है। चौथा जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करता है, जिससे क्या होता है, एंडोजेनिक एनवायरनमेंट जो होता है वो एस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसके अंदर जो बायोकेमिकल जो इफेक्ट्स है इसके, वो है रिसेप्टर सिंथेसाइज करता है खुद के ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो ये सिंथेसाइज करता है किसके अंदर, ग्रेनुलोसा सेल्स और एज वेल एज थीका सेल्स के अंदर। ये जो थीका सेल्स के अंदर जो एंड्रोजन बना उसका डिफ्यूज हुआ, वो डिफ्यूज हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, तो एंड्रोजन से जो इस्ट्रोजन बनता है उसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं, वो एरोमेटाइजेशन जो है वो इंड्यूस करता है एफएसएच, और ये एफएसएच इंड्यूस करता है। ये क्या करता है, ओटोक्राइन और पेराक्राइन जो फॉलिकल्स की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, जिससे क्या होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर और ये सब जो है वो उससे सिक्रेट होते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर ये एक्टिविन और इनहिबिन को प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है फॉलिकल से उसको भी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है ओवुलेशन के अंदर वो हेल्प मिलती है। अब जो एफएसएच जो लेवल होता है जनरली क्या होता है कि साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुएशन के दौरान बढ़ना स्टार्ट होता है, और 12th डे पे अपने पीक पे पहुंच जाता है, जिसको एफएसएच सर्ज करते हैं, और 18th डे पे ये बेस लाइन के ऊपर आ जाता है। आप इस डायग्राम से देख सकते हो जो रेड कलर का जो ये दे रखा है, इसके अंदर जो ये मेस्ट्रुएशन का टाइम है उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है, फिर वापस नीचे आ गया, और फिर 12th डे के ऊपर ये राइज हो गया, एफएसएच सर्ज हुआ, फिर वापस से स्टेटिक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, मेनली जो है ये स्टेरॉइडोजेनेसिस करवाता है। दूसरा ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसके साथ मिलकर ग्राफीन फॉलिकल का मैच्योरेशन करवाता है, ओसाइट का मैच्योरेशन करवाता है, और ओवुलेशन करवाता है। बायोकेमिकल इफेक्ट इसके ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बायोकेमिकल इफेक्ट में ये क्या करता है कि जो थीका सेल्स के अंदर एलएच के जो रिसेप्टर है उनको एक्टिव करता है, एक्टिवेट करता है, और एंड्रोजन प्रोडक्शन करवाता है। एंड्रोजन प्रोडक्शन होने से क्या होता है, वो एंड्रोजन डिफ्यूज होता है ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, और इस्ट्रोजन का
वो एंड्रोजन तो बाद में ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के अंदर, जिसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन। ग्रैनुलोसा सेल्स का ये ल्यूटिनाइजेशन करवाता है, और जिसकी वजह से क्या है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, यानी आफ्टर ओवुलेशन ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करवाने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को ये सिंथेसाइज करता है, बनाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ये क्या करता है कि जो फॉलिकल्स जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर मियोसिस में वहाँ पे अरेस्ट हो गई थी, उनका ये मियोसिस फर्स्ट को वापस रिज्यूम करवाता है, रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस करवाता है। फिजिकल एक्ट ऑफ ओवुलेशन के अंदर ये हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से नेक्रोबायोसिस होता है, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, टूटता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, तो वो ओवम जो है वो एस्केप होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का ये फॉर्मेशन करवाता है और मेंटेन करता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थ्रू आउट साइकिल जो है वो स्टेटिक रहता है, केवल और केवल 12 से 36 घंटे ओवुलेशन से पहले ये जो है बढ़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एलएच सर्च कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ब्लू लाइन के अंदर ये जो है स्टेटिक लेवल है, 12 से 36 घंटे पहले ये जो बढ़ जाता है इसको एलएच सर्च कहते हैं, और वापस अपने स्टेटिक बेस लेवल के ऊपर आ जाता है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड होता है, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, और यदि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो ये क्या करता है, एनोवुलेशन करता है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो यदि बढ़ा हुआ है तो एनोवुलेशन के साथ में एसोसिएटेड रहता है। ज़्यादा ये प्रोलैक्टिन हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम का नहीं है, आगे जब पीसीओडी और हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थायरोट्रोपिक जो हार्मोन है जिसको टीएसएच भी कहते हैं, ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है, और एबनॉर्मल टीएसएच प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेटरी जो डिसफंक्शन है उससे एसोसिएट रहता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है एसीटीएच जिसे कहते हैं, ये बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है। इसी की तरह सोमेटोट्रोपिन जो है ग्रोथ हार्मोन है, ये जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये अल्फा सेल से सिक्रेट होते हैं, और ये स्केलेटल सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसी के साथ में मेलेनोसाइटिंग जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एमएसएच जो है ये जनरली इंटरमीडिएट लोबो पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, और स्किन के अंदर पिगमेंटेशन का जो भी पिगमेंट्री चेंजेस होते हैं उनके बाद उसके अंदर ये एमएसएच जो है काम करता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हम बात करें तो दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दोनों हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, नोना पेप्टाइड होते हैं। पीजी एंट्रेंस का भी ये क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से में बनता है, हाइपोथैलेमस के पैरा जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वहाँ से बनता है ये, और आगे जो ये सिक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन है वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के ऊपर ही काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है स्पेशली ड्यूरिंग लेबर, और ब्रेस्ट टेक्टूल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि लैक्टेशन प्रॉपर स्टर होता है। कई बार डिलीवरी के बाद में जिन मदर के अंदर जो लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो पाता उनको ऑक्सीटोसिन जो है वो नेजल स्प्रे के रूप में या नेजल जो है स्वाब के रूप में सुंघाया जाता है। आर्जिनिन वैसोप्रेसिन जो है ये इसको ये भी नोना पेप्टाइड होता है, और ऑक्सीटोसिन से केवल और केवल दो एमिनो एसिड जो है वो डिफरेंट होते हैं इसके अंदर, और ये सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ये हाइपोथैलेमस के सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और ये पीजी एंट्रेंस का क्वेश्चन है स्पेशली। ये प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी और सर्कुलेटिंग ब्लड का वॉल्यूम जो है उनको रेगुलेट करता है। ओवरी की बात करें, फंक्शन ऑफ ओवरी जो है वो ओवुलेशन करवाना है, और जो हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन करना है। ओवेरियन स्टेरॉयडोजेनेसिस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेनली जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन और एनेबिन हार्मोन जो है ये सीक्रेट होते हैं, ओवरी जो है ये प्रोड्यूस करती है। तो मेनली हम जो है वो एस्ट्रोजन के बारे में अभी जो पढ़ेंगे, तो एस्ट्रोजन जो है प्रीडोमिनेटली जो है एस्ट्रोडायल होता है, और बहुत लेसर क्वांटिटी तक E1 यानी स्ट्रॉन्ग होता है, और एस्ट्रोडायल को हमने यहाँ पे E2 से डिनोट किया है। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन जो रहती है मेनली जो रहती है जो बिफोर आफ्टर ओवुलेशन जो मेनली जो प्रोडक्शन होता है एस्ट्रोजन का वो होता है गैनुलोसा सेल से, वो थोड़ी बहुत ट्रेस क्वांटिटी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये थीका सेल्स और ओवेरियन स्ट्रोमा से भी प्रोड्यूस होता है। तो बिफोर ओवुलेशन जो होता है वो टू सेल्स यानी ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स मिलकर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती है, और दोनों ही हार्मोन सेंस में काम आते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसलिए जो ओवुलेशन से पहले जो है टू सेल्स टू गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो थ्योरी काम आती है एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में, और ओवुलेशन के बाद में टू सेल्स यानी ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स और एक ही हार्मोन काम आता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसलिए टू सेल्स एंड वन गोनेडोट्रोपिन थ्योरी काम आती है ओवुलेशन के बाद में एस्ट्रोजन बनाने में।
इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो थीका इंटरना सेल्स है यहाँ पे एंड्रोजन का प्रोडक्शन हुआ, और ये एंड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो ये एलएच की प्रेजेंस में हुआ, यानी थीका सेल्स एक सेल्स उसमें प्रोडक्शन हुआ गोनेडोट्रोपिन, वो गोनेडोट्रोपिन था एलएच का, ठीक है। अब ये एंड्रोजन जो है यहाँ से ये डिफ्यूज़ हुआ गैनुलोसा सेल्स के अंदर, डिफ्यूज़ होते ही यहाँ पे एफएसएच ने काम किया और एंड्रोजन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो दूसरी सेल्स जो काम कर गई वो है ग्रेनुलोसा सेल्स ने काम किया। ग्रेनुलोसा सेल्स ने जो काम किया उसके बाद में ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर जो एंड्रोजन आया वो डिफ्यूज होकर बन गया वो एस्ट्रोजन। एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो के अंदर जैसे ये डिफ्यूज हुआ एंड्रोजन, एंड्रोजन से एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो है इसके अंदर इसका रोल रहता है। और जैसे ही ओवुलेशन हो गया गैनोसा सेल्स का ल्यूटिनाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो एलएच है ये एलएच आप देख सकते हो, तो जो एंड्रोजन जो बन रहा है थीका सेल्स के अंदर जो एंड्रोजन बन रहा है ये जैसे डिफ्यूज होगा यहाँ पे, तो ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इस एंड्रोजन को कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन के अंदर, यानी आफ्टर ओवुलेशन जो एंड्रोजन जो बनाता है एलएच जो है वो बनाता है और डिफ्यूज होता है, और गैनोसा सेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन में उसको कन्वर्ट करता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो इसलिए आफ्टर ओवुलेशन जो है टू सेल्स और वन गोनेडोट्रोपिन थ्योरी काम करती है। इसके बाद में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो एल्बुमिन से जो है 30% बाउंड हो जाता है, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से 69% बाउंड होता है। 1% जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिव रहता है जो कि टारगेट सेल्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आया, डीएनए से इसने न्यूक्लियर डीएनए से कॉम्प्लेक्स बनाया, इस एमआरएनए जो है एमआरएनए को इसने सिंथेसाइज किया, राइबोसोम के साथ में मिलकर इसने प्रोटीन को सिंथेसिस किया, जो भी डिजायर्ड एक्टिविटी है वो इसके साथ में उसने कंप्लीट की। इसके बाद में हम जो बात करते हैं जो जो एस्ट्रोजन के जो डिजायर्ड जैसे क्विकली जो भी डिजायर्ड जो भी इफेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद में एस्ट्रोडायल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोयल के अंदर। और अब यहाँ पे एक पीजी एंट्रेंस का भी क्वेश्चन है कि एस्ट्रोडायल जो है वो 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन द E1 यानी स्ट्रॉन्ग, और E1 इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन द E3 यानी स्ट्रॉयल। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है वो एस्ट्रोडायल है, और सबसे जो लेस पोटेंट है वो स्ट्रॉयल है। जो स्ट्रॉयल है उसका कॉन्जुगेशन हो जाता है ग्लुकोनिक एसिड के साथ में, मिल जाता है लीवर के अंदर और एस्क्रेट होता है थोड़ा सा बाइल के अंदर, पार्टली फ्रॉम बाइल एंड पार्टली इन द यूरिन। एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसका अमाउंट के बारे में यदि बात करें तो जो अर्ली जो फॉलिकुलर फेज है उसमें 50 माइक्रोग्राम जो है वो डेली प्रोडक्शन होता है, और ओवुलेशन के टाइम में 150-300 माइक्रोग्राम जो होता है वो होता है प्रोडक्शन। ब्लड लेवल की यदि बात करें तो 300-600 पिकोग्राम पर ml जो होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, और उसके बाद में ये एकदम से गिर जाता है, शार्प फॉल हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन के लिए, एस्ट्रोजन को रोक देता है, तो और गिर कर ये लेवल आ जाता है 150-200 पिकोग्राम पर ml इन ल्यूटी फेज। टोटल जो इसकी क्वांटिटी है एस्ट्रोडायल की वो एक साइकिल के दौरान 10 mg के आसपास जो है वो प्रोडक्शन रहता है। इस साइकिल के अंदर हम देख सकते हैं जो येलो इस लाइन के अंदर है ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो है पहले कम होता है उसके बाद में एस्ट्रोजन जो है बढ़ता है एस्ट्रोडायल के रूप में, एलएच सर्ज करवाता है, फिर एकदम से शार्प फॉल हो जाता है 150-200 के आसपास, और फिर वापस से बढ़ता है और ये आगे इस तरीके से चलता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टर्स है ये उनको डेवलप करता है, स्पेशली फेमिनाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेके आता है, फेमिनाइन बॉडी शेप को बनाता है, साइनेस जो आती है फीमेल के अंदर वो एस्ट्रोजन की वजह से आती है, वॉइस को चेंज करवाता है ब्रेस्ट के अंदर थाई के अंदर और हिप्स के अंदर जो है फैट डिपोजिशन को बढ़ाता है। जो एक्सिलरी हेयर है और प्यूबिक जो हेयर रहते हैं वो जनरली क्या होता है एक्स्ट्रा गोनेडल जो एंड्रोजन होता है जो स्पेशली एंड्रोजन ग्लैंड में आया हुआ होता है उसकी वजह से वो उनकी ग्रोथ होती है जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की। जेनेटल ऑर्गन्स के ऊपर यदि इसकी बात करें तो ये क्या करता है उनको डेवलप करता है और मैच्योर करता है, साइक्लिक चेंजेस करता है ताकि रिप्रोडक्शन हो पाए। यदि मेनोपोज हो जाता है तो उसके बाद में जो एस्ट्रोजन गिर जाता है जिसकी वजह से एट्रोफिक चेंजेस हो जाते हैं। वल्वा और वजाइना के अंदर ये क्या करता है लाइनिंग एपिथेलियम की थिकनिंग को बढ़ा देता है, कॉर्निफिकेशन करता है सुपरफिशियल सेल्स का, ग्लाइकोजन को डिपोजिशन जो है वो बढ़ा देता है जिससे क्या होता है ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है डोडोनिल बैसिलाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर। तो कुल मिला के ये वजाइनल डिफेंस मैकेनिज्म को
साउंड करता है, बढ़ाता है। वेजिनल फ्लोरा जो है वो एस्ट्रोजन की वजह से ही मेंटेन रहता है। यूट्रस के अंदर ये क्या करता है, वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है, हाइपरप्लेजिया कर देता है मसल्स का, और इन्फेंटाइल यूट्रस को डेवलप करके एडल्ट यूट्रस के अंदर ये चेंज करता है। एंडोमेट्रियम को अंदर ये रीजनरेट करता है और प्रोलिफरेट करता है। प्रोजेस्टेरोन के लिए रिसेप्टर बनाता है। प्रोजेस्टेरोन उसी एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करेगा जो एंडोमेट्रियम के, जिस एंडोमेट्रियम के ऊपर एस्ट्रोजन ने काम किया है, तो वही उसके प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर बनाता है, तभी वो प्रोजेस्टेरोन काम कर देता है। जैसे एस्ट्रोजन का विड्रॉल होगा, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। सर्विक्स की ये हाइपरट्रॉफी करता है और इसके जो सर्वाइकल जो डिस्चार्ज है उसको बढ़ा देता है। सर्वाइकल डिस्चार्ज को होता है वो जो बढ़ाता है तो वो क्या वाटरी डिस्चार्ज होता है, अल्कलाइन कर लेता है, उसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम रहती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। हैंस ये क्या करता है कि स्पर्म पेनिट्रेशन को बढ़ा देता है। तो जो प्री ओवुलेटरी जो राइज है एस्ट्रोडायल का, तो ओवुलेशन से जस्ट पहले एस्ट्रोजन का बढ़ने से क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी बढ़ेगा, तो सर्वाइकल म्यूकस जो बढ़ेगा तो वाटरी सिक्रेशन होता है, तो वो स्पर्म पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाता है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो उसकी जो मोटिलिटी रहेगी वो इंक्रीज रहेगी और वेस्कुलरिटी भी है वो भी इंक्रीज रहेगी। ब्रेस्ट के अंदर ये फैट डिपोजिशन करेगा और डक्ट्स का, यानी जो वेसल जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर है उनको जो है प्रोलिफरेट जो करने का काम करता है वो एस्ट्रोजन करता है, यानी डक्ट्स का और स्ट्रोमल टिश्यू का ये प्रोलिफरेशन करेगा, वेस्कुलरिटी बढ़ाएगा और एरियोला का पिगमेंटेशन करेगा। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये जो डक्ट्स दिख रही है और ये जो फैट दिख रहा है एडिपोज टिश्यू, ये जो काम जो है ये एस्ट्रोजन ने किया है, एस्ट्रोजन उसका प्रोलिफरेशन करता है। लोकोमोटर सिस्टम के अंदर यदि कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो कंजर्व करता है और इस प्रकार से बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। जनरल की यदि बात करें तो ये क्या करता है, सोडियम नाइट्रोजन और फ्लूड को रिटेन कराता है, जैसे बॉडी वेट गेन होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज को ये कम करता है, ब्लड कोगुलेशन को बढ़ाता है और कैपिलरी वैसोडाइलेशन को भी बढ़ा देता है ये। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के अंदर ये नेगेटिव फीडबैक ही देता है, तो एफएसएच के रिलीज के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करता है पिट्यूटरी के ऊपर, जिससे क्या होता है कि उसकी सेंसिटिविटी जो है वो घट जाती है और गोनेडोट्रोप जो गोनेडोट्रोप की सेंसिटिविटी घट जाती है, जिससे कि जीएनएस का वो बढ़ा हुआ भी रहता है तो भी कोई काम नहीं करता, रिसेप्टर सेंसिटिविटी घटती है गोनेडोट्रोप की तो जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं उनका सिक्रेशन घटा देती है। हाइपोथैलेमस के ऊपर भी ये डायरेक्ट काम करता है और जीएनएस को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। जब एस्ट्रोडायल जो है वो एक सस्टेन वैल्यू रहती है और हाई रहता है, यानी 24 to 48 आवर्स प्री ओवुलेटरी जब वो बढ़ा हुआ रहता है तो एलएस सर्च कराता है, उसी वक्त ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। इसी पॉजिटिव फीडबैक जो है ये जो है पिट्यूटरी रेस्पॉन्सिव जो है उस रेस्पॉन्स जो है वो उसको भी बढ़ा देता है, हाइपोथैलेमस को भी ये जो है स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच को सिक्रेट करने के लिए, और ये पॉजिटिव फीडबैक एस्ट्रोजन का कम कौन करता है, जो पोस्ट ओवुलेटरी जो प्रोजेस्टेरोन आता है ओवुलेशन के बाद में वो इसको कम कर देता है। ओवरी के अंदर यदि बात करें तो एस्ट्रोडायल और एफएसएच जो है वो एंटल फ्लूइड के अंदर जब बढ़ा हुआ रहता है तो ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन करवाते हैं और ज़्यादा ओवरी ग्रैनुलर सेल्स को प्रोलिफरेट करवाते हैं, पॉलिकुलर ग्रोथ करवाते हैं। अब बात करते हैं हम एस्ट्रोजन के दूसरे हार्मोन की, जो मेन हार्मोन है उसमें से प्रोजेस्टेरोन की। तो साइट ऑफ सिक्रेशन जो है प्रोजेस्टेरोन का वो ल्यूटिनाइथीका और ग्रैनुलर सेल्स दोनों ही रहता है, और स्पेशली कॉर्पस ल्यूटियम से ज़्यादा होता है। थोड़ी बहुत ट्रेस अमाउंट के अंदर ये थीका और ग्रैनुलर सेल्स ऑफ फॉलिकल और ओवेरियन स्ट्रोमा से भी निकलता है। मेटाबॉलिज्म जो यदि बात करें तो 79% एल्बुमिन से ये जुड़ जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से 17.7% जुड़ जाता है, और मेटाबॉलाइज होता है लीवर के अंदर, और यूरिन से ये सोडियम प्रेगनेंट डायल ग्लूक्रोनाइट के रूप में बाहर निकलता है। प्री ओवुलेटरी जो है वो राइज होता है, ये जो राइज होता है प्री ओवुलेटरी 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो राइज होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच सर्ज के लिए, और लीवर के अंदर वो भी मेटाबोलाइज हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है और प्रेग्नेंट ट्रायल के रूप में एक्सक्रीट होता है। प्रोडक्शन की यदि बात करें तो कितने अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, तो ये 2 to 3 mg फॉलिकुलर फेज के अंदर डेली इसका प्रोडक्शन होता है, और ल्यूटिल फेज के अंदर ये 10 times हायर हो जाता है, यानी 20 to 30 mg इन ल्यूटिल फेज। सीरम वैल्यू की यदि बात करें तो इसका जो 1 ng/mL होता है वो फॉलिकुलर फेज के अंदर, और 5 to 15 ng/mL जो है वो ल्यूटिल फेज के अंदर इसका होता है। अब इस हार्मोन जो है इसके अंदर आप देख सकते हो ग्रीन लाइन के अंदर ये पूरा स्टेटिक उसमें है, पोस्ट ओवुलेटरी ये बढ़ता है और उसके बाद में ये जो है गिर जाता है मेंस्ट्रुएशन से पहले। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये
हर उस ऑर्गन जेनेटल ट्रैक्ट के और उनके ऊपर काम करेगा जहाँ पे एस्ट्रोजन ने काम पहले किया है। ठीक है, यूट्रस की बात करें तो ये माया हाइपरप्लेजिया करता है और उसका जो मायोमेट्रियम की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको घटा देता है। सर्कुलर मसल जो होता है स्टमस के आसपास, यूट्रस के आसपास, यूट्रस में जो स्टमस पार्ट है उसके आसपास क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, उनकी यूट्रॉन जो है ये बढ़ा देता है। सिक्रेटरी चेंजेस ये लेके आता है एंडोमेट्रियम के अंदर और ग्लैंड्स के अंदर ग्लाइकोजन डिपोजिशन जो है वो बढ़ा देता है और ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो है वो बढ़ा देता है। सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, इस तरीके से ये क्या होता है स्पर्म पेनिट्रेशन जो है उसको कम करता है। वेजाइना के अंदर ये क्या करता है इंटरमीडिएट सेल्स के जो शेडिंग है उसको बढ़ा देता है और वो इंटरमीडिएट सेल्स के जो एजेस होते हैं वो फोल्डेड हो जाते हैं, जैसे बोट के होते हैं वैसे ये नेविकुलर सेल्स की तरह वो उनके फोल्डेड एजेस बना देता है और टेंडेंसी टू क्लम्प यानी वो चिपकने की उनकी टेंडेंसी रहती है, आपस में क्लम्प के रूप में रहते हैं। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो एपिथेलियल सेल्स को ये कहता है कि अपना म्यूकस जो सिक्रेशन है एपिथेलियल सेल्स का बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है ओवम का माइग्रेशन इधर उधर इधर से उधर हो जाता है। दूसरा क्या करता है कि ये उसकी जो मूवमेंट होती है यानी मोटिलिटी को है डिक्रीज करता है। ब्रेस्ट की यदि बात करें तो ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ब्रेस्ट के अंदर हाइपरट्रॉफी लेके आता है और एसिनर टिश्यू जो एसिनर स्ट्रक्चर है उसके ग्रोथ को ये बढ़ाता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में जिनका रोल होता है। इस डायग्राम से अपन देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो ग्रोथ है ये तो एस्ट्रोजन के अंडर में थी, पर ये जो ग्रोथ है ये प्रोजेस्ट्रॉन के अंडर में है। ठीक है, तो ये जो एसिनर टिश्यू की जो ग्रोथ है ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जनरल यदि बात करें तो प्रोजेस्टेरोन जो है थर्मोजेनिक रहता है तो ओवुलेशन के टाइम के अंदर 0.2 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो बॉडी का ये बढ़ा देता है। ये जो इसकी एक्टिविटी है ये बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ ये जानने में काम आती है। हर फीमेल यदि अपना डेली ओवुलेशन यदि वो देखती जाए तो एक रिट्रोस्पेक्टिव मेथड से हम टेंटेटिव डेट लगा सकते हैं कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर इसका लगभग ये ओवुलेशन होगा, इस टाइम पे ओवुलेशन होगा। फैट डिपोजिशन को ये बढ़ा देता है, स्मूथ मसल्स को लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है स्पेशली ड्यूरिंग लेबर। जो स्किन है उससे सीबम का जो सिक्रेशन है वो बढ़ा देता है, स्किन से भी ये सेबेसिस ग्लैंड से स्वेट ग्लैंड से जो सीबम सिक्रेशन है वो बढ़ा देता है। जो दूसरे सेक्स स्टेरॉइड्स की तरह ये भी फ्लूइड रिटेन करता है, रोकता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एच पी एक्सेस के ऊपर ये थ्रू आउट नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है जो गोनेड्रोपिन सर्ज हो रखे उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। प्री ओवुलेटरी जो है अल्फा सेवेंटीन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो बढ़ जाता है वो एफएसएच को बढ़ा देता है। ये जो पोस्ट ओवुलेटरी जो एस्ट्रोडाइल का जो पॉजिटिव फीडबैक हो रखा था पहले प्री ओवुलेटरी, तो पोस्ट ओवुलेशन के अंदर प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बढ़ता है तो ये उसके पॉजिटिव फीडबैक को रोक देता है। गोनेड्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसका जो तो प्रोजेस्टेरोन का जो लो लेवल है उसको बढ़ाता है और हाई लेवल जो है वो जीएनआरएच को कम करता है। ओवरी तो ये सप्रेस करता है न्यू फॉलिकुलर ग्रोथ को, और यदि इंट्रा ओवरी प्रोजेस्टेरोन यदि बढ़ जाता है तो ये फॉलिकुलर मैच्योरेशन को भी रोक देता है। यदि अब हम बात करते हैं तीसरा हार्मोन जो है वो एंड्रोजन के रूप में, एंड्रोजन जो होता है वो थीका गैनोसा सेल्स और ओवेरिन स्ट्रोमा तीनों जगह से होता है, पर उनमें से भी मेनली जो होता है थीका इंटरनल सेल्स होता है। प्रोडक्शन जो इसका कंट्रोल होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कंट्रोल होता है। प्रिंसिपल एंड्रोजन जो है वो डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है। मेटाबॉलिज्म जो है इसका लीवर के अंदर होता है एंड्रोजन का, और यूरिन में एक्सक्रेट होता है 11-डीऑक्सी-17 कीटोस्टेरॉल्स के रूप में। इसके अलावा पेप्टाइड सीक्रेट होते हैं, पेप्टाइड जो है इनहिबिन है, एक्टिविन है, पॉलीस्टेरिन है, जो जीनरेस के ऊपर सब काम करते हैं। अब एक मेन हार्मोन जो है वो एंटीमोलेरिन हार्मोन जो है वो है, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये एक पेप्टाइड होता है जो कि प्रीमोडिल फॉलिकल से सीक्रेट होता है जो ग्रैनुलर सेल्स के अंदर होते हैं, और प्रीमोडिल फॉलिकल से सीक्रेट होता है और इसको सीक्रेट करती है गैनुलोसा सेल्स, और प्रीमोडल फॉलिकल भी कौन सी जो लेस देन 6 मिलीमीटर साइज की है। एएमआर जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो बताता है कि आपके पास में इतना ओवरी रिजर्व है फॉलिकल्स का, और वो इतने हार्मोन्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इतनी ग्रोइंग फॉलिकल्स इस आपके पास में है, मैं फीमेल पेशेंट के पास में है। लो लेवल यदि एएमएच का रहता है तो वो जनरली एसोसिएट रहता है हाई लेवल एफएसएच और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोडायल के साथ में, और या फिर फीमेल की जो एज है वो बढ़ती रहती है, बढ़ी हुई है। लो लेवल आल्सो क्या है कि जो लो फेकेंडिटी या जो इनफर्टिलिटी को भी शो करता है।
एचपी एक्सिस की हम यदि बात करें, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सिस, ये सारे हार्मोन्स अब कोऑर्डिनेट होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकला, जो पिट्यूटरी ओवरी से ग्लैंड से निकला, जो ओवरी ओवरिन जो हार्मोन्स है आपस में कोऑर्डिनेट करके, इस एचपी एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट करके ही पूरा जो साइक्लिकल जो मैच्योरेशन हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर करते हैं और रिप्रोडक्शन के लायक जो है वो बनाते हैं। इस एच पी एक्सिस को इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगले ही एक दो दिन के अंदर मैं आपको जल्दी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पार्ट टू है वो भी अभी आ जाएगा। इस वीडियो को कुछ पार्ट जो है वो सभी के लिए होगा और जो मेनली जो है जो हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं उनके लिए जो है ये फुल पार्ट जो है वो पूरा वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लेक्चर को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी ज़्यादा सिलेबस का पॉइंट जो है वो मिलता रहेगा, जिससे आपका सिलेबस जो है कम्प्लीट हो जाएगा। जो पेड सब्सक्राइबर होंगे उनका 6 मंथ के अंदर सिलेबस जो है वो कम्प्लीट कर दिया जाएगा, आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न। हम कोशिश कर रहे हैं पीडिया से भी, पीडियाट्रिशियन से भी बात करके, जैसे हम मॉडर्न जो पीडियाट्रिशियन है वो पीडियाट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर हम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।